कोविड वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को, जिसमें डॉक्टर हैं, एनएम हैं, आशा वर्कर हैं, सबको इस काम के लिए लगा दिया है और उनको बाकायदा एक लक्ष्य के हिसाब से निर्देशित कर दिया है। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस स्वास्थ्य विभाग टीम को किस तरह की चुनौतियां और उपलब्धियां मिल रही हैं, या लोग किस तरह से सहमत हैं या असहमत हैं, इस पर रिपोर्टिंग की हमने। इस रिपोर्टिंग को करने के लिए हम हर तरह के लोगों से मिले, जिसमें यूथ है, जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सारे लोगों से बातचीत करके जाना कि आखिरकार वो इस बारे में क्या सोचते हैं। इस पूरी रिपोर्टिंग को सुनने के लिए, जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये खास रिपोर्ट, जो है सिर्फ और सिर्फ खबर लहरिया पर। आपके यहाँ जो कोविड वैक्सीन है उसकी क्या स्थिति है? स्थिति हमारे यहाँ सही है, सब जन मतलब 100 में 99% हमारे टीके लग चुके हैं। जो यहाँ नहीं लगे बाहर से लगवा को, जो नारायणी लगवा को, जो बाहर चले गए हैं दिल्ली वहाँ पे पंजाब का माने वहाँ भी लगवा लिए हैं। किस तरह की चुनौतियाँ रहीं आपके सामने जब शुरुआत हुई और अब तक? शुरू में तो कोई लोग डरता था कि हम टीका लगवाए से मर जाएंगे, कोई कहता हमारे बुखार बहुत आया, हम परेशान हो जाएंगे, हमारे घर के लड़का बच्चे मतलब कोई हमारे दवा देने वाला कोई नहीं है, काम करने वाला नहीं है कोई, तो बहुत परेशान रहे पहले पहले। लेकिन हम जब घर घर जाके उनको मतलब समझाया बुझाया कि टीका लगने से, हमने भी देखो पहले पहले टीका लगवाया, दूसरा डोज भी लगवाया, लेकिन हमें ना बुखार आई ना कुछ हुआ। और फिर टीका का कुछ ना कुछ बुखार उखार आना भी ज़रूरी, स्वाभाविक है बुखार आना, यही हमने बताया उनको समझाया है। टीका लगवाने के लिए सब जने तैयार हो गए हैं। और जो अभी 1% जैसे रह गए हैं, आप बता रहे हैं कि 99% लग चुका है, तो वो क्या कारण है जो रह गए हैं? वो मतलब जो जो नहीं लगवाए हैं कुछ मतलब बीमार बीमार है, तो उनको भी अब लगवा दूंगी, दूसरी डोज भी 99% तक लग गई है ना। भाई एक बार लगा, दोबारा क्यों नहीं लगवाया? नहीं लगवा, हम खपरी रात दिन पीरा थी, आँखिन में देखात नहीं है, तो का कारण बताओ टीका लगवाने से? हाँ, आपने कोविड वैक्सीन लगवाई है सुजी ना? हाँ, कब लगवाई थी? मदरसा में। अच्छा, मदरसा में कैंप लगा था क्या आपके? हाँ, यहाँ हाँ, हाँ, स्कूल में। हाँ, तो कितने लोगों ने लगवाई थी? बहु मरे लगवाओ, गांव भर लगवाओ, गांव मरे लगवाओ। अच्छा, अब दोहरा के लगवाओ। हाँ, हाँ, तो तुम्हें दोहरा के लगवाई हो कि लगाओ का भाई? कहे तबियत नहीं गया, डर लागत है का कि कुछ मन में सवाल है? नहीं, तबियत खराब हो जाती वैक्सीन लगवाओ से। हाँ, यही के मैं डराती हूँ, बुखार आ गई है, खपरी पिलात रही है, हमें लग रहा तब नहीं लगा। तो बताइए, आपने ये कोविड का टीका लगवा लिया? हाँ। कब लगवाया था? आषाढ़ में। अच्छा, तो कैसा लगा आपको लगवाने के बाद, और कैसे आपने लगवाया? लगवाया बस हाथ में झुन्नी चढ़ी थी, बस लगवाया था। तो कहाँ, यहाँ कैंप वैम्प लगा था या नारायणी में? नारायणी में है। क्या क्या लगा था जब लगवाने गई? आधार कार्ड है, ऑनलाइन कराया था। अच्छा, हाँ, फिर टीका लगा था। तो दोबारा दोनों डोज हो गई कि अभी लगवाना है? अभी एक भाई अभी नहीं लगवाया। कहे नहीं लगवाया? बस यह दिक्कत थी कि वह दुबरे हो जाते हैं, बस कमजोरी हद दिखाती। अच्छा, तो लगवाएंगे कि नहीं? अब हे भाई हिम्मत नहीं पड़ते कि लगवाओन कि न लगवाओन, डर लग रहा है। हाँ, क्यों? कि बस यहाँ है कि शरीर में अब ताकत नहीं है उतना ना का। आपके घर में और भी सब लोगों ने लगवा लिया? एक लड़का लगवा लिया, आदमी में पति लगवा लिया, छोट लड़का 15 साल को उसकी लगी नहीं। तो अभी अगर मान लो बच्चों के भी टीके आ रहे हैं तो लगवाएंगे आप? अब जब बच्चों के आएंगे तो फिर जब लगवाए करेंगे। हरिलाल जी, ये बताइए कि आपने कोविड का टीका लगवाया? नहीं। कारण क्या है ना लगवाने का? हमारी तबीयत खराब हो गई थी तब नहीं लगवाए। क्या कुछ डर लग रहा है या नहीं? कोई नहीं, डर नहीं लगे, इसमें आमदनी कुछ नहीं हमको मिली, जो जिसको लगा था वो आदमी कुछ कुछ बित्तूर हो गए। अच्छा, तो हमको भी डर लगने लगा। अच्छा, इस कारण नहीं लगवाया आप? और आपके परिवार में ही लोगों ने लगवाया? हमारी घर वाली लगवाए। तो फिर आप क्यों डर रहे हैं अगर आपकी घर वाली ने लगवा ली? जो डर तो लगता है। आप अपने बच्चों को लगवाएंगे टीका अगर बच्चों का आता है तो? बिल्कुल लगवाएंगे बच्चे के,
तभी बच्चे है नहीं है तो बाहर है। अच्छा, लेकिन लगवाएंगे लगवाएंगे। क्या आपने वैक्सीन लगवा लिया है? अभी नहीं। क्यों? वो आधार कार्ड थोड़ा सा दिक्कत हो गया इसीलिए नहीं लगवाया। डर था? नहीं डर था नहीं, हम हमारी मम्मी पापा भैया भाभी सब गए थे, सबको लग गया था। तो हमारा जब नंबर आया तो वो बोले कि आपका आधार कार्ड पर किसी ने आपको सुई लगवा ली है और इसको पैन कार्ड लेकर आओगे तब लगेगा। तो हमारे पास पैन कार्ड रहा, कहीं कोशिश कई लगवा दे तो लग ही ना पात रहा, तो दो बार गोसाईपुर तीन बार लग गल। तो हमें कोई बतैले कि ना ही गोसाईपुर लगल। तो जोन हमारी लड़की आधार कार्ड लेके गए यानी चोलापुर, तो उन कहने कि हम एक प्रूफ लेके आवत थी या प्रूफ लेके जाके तू लगवा लिया, तब तक ले हमें कहीं पता ना लगल। अभी तक नहीं लगवाए ऐसी चीजें, जागरूकता लेकर कोई नहीं आया था। कोई नहीं है, कोई नहीं। वह जब लगल तो जे सुन लेते गए जेना जा पौले तो कर रहे गल, हम आना ना जा पौधी। और जाओल जा तकबीर भी इतना रहा कि न कोई का नंबर उनका नाम पर तीसर कोई लगवा ले भाग जा सब कोई कोई से ना लगवा। सर वैक्सीन की क्या स्थिति है इस समय? वैक्सीन दोनों वैक्सीन हमारे यहाँ लग रहे हैं और ब्लॉक के तमाम गांव में भी वैक्सीनेशन हो रहा है। ज़िले से भी दो टीमें मिली हैं जो कि वैक्सीन के लिए, तो वो भी फील्ड में जाके कर रहे हैं। और अब तक हमारे यहाँ दोनों वैक्सीन मिला के कोविशील्ड और कोवैक्सीन मिला के टोटल 158,446 वैक्सीन लग चुकी है। सर वैक्सीन के जो लक्ष्य है पूरा हो पाया कि नहीं अभी? देखिए अभी लक्ष्य पूरी प्राप्ति तो हम लोग नहीं कर पाए हैं। इसमें फर्स्ट डोज करीब 76% के आसपास तक हमारा हो चुका है और सेकेंड डोज भी हमारी लगी हुई है। तो जो फर्स्ट डोज का कवरेज है 76 हो गया, तो अभी करीब लगभग 25% के आसपास और वैक्सीन हमारी लगनी है। चूँकि अब फील्ड में जाने पर लोगों को खोज खोज के लगाना पड़ रहा है वैक्सीन, है कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो कि इंटरेस्ट कम दिखाते हैं, तो हमारी टीम का प्रयास रहता है कि वहाँ पे जाके हर गांव में प्रधान जी से हम लोग संपर्क करते हैं, अपनी आशाओं के माध्यम से देखते हैं कि कौन कौन लोग बचे हैं क्योंकि पहली डोज भी नहीं लगी है, तो उनको चिन्हित करके वैक्सीन लगाई जा रही है। इसको लेकर कहीं जागरूकता भी किया जा रहा है किस तरह का सर? हाँ, आशाओं के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से, ग्राम प्रधान के माध्यम से है ना, हम लोग मैसेज कर रहे हैं और तमाम अखबारों में भी बराबर निकल रहा है। क्योंकि अभी कोविड का इन्फेक्शन कंट्रोल तो है लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, तो जिसको देखते हुए हम लोग सबसे प्रायोरिटी इसी को दे रहे हैं कि टीकाकरण हमारा कम्प्लीट हो जाए जिससे कि तमाम लोग सुरक्षित रहें। सर इसको जो कि लक्ष्य पूरा करने के लिए किस तरह की चुनौतियाँ आ रही हैं सर? अब वही है कि पब्लिकली कुछ लोग ऐसे मिल रहे हैं जो कि इस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें जागरूक करने के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं और हमें उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्दी ही इसको कवर कर लेंगे, टारगेट भी हमारा कवर कर लेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।